जो हम लोग को पढ़ना है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब कि अब तक जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा उसी को हम लोग यहाँ प्रूफ करते हैं कि कोई एक पैरेललोग्राम है तो उसका अपोजिट साइड्स इक्वल कैसे होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल कैसे होता है, और उसका डायगोनल्स जो होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। इस फिगर में दोनों डायगोनल्स नहीं दिया गया है, ये है हमारा दोनों डायगोनल्स। जब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे तो दोनों डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मेनली हम लोग को जो फाइनली प्रूफ करना है वो है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। किसी भी एक पैरेललोग्राम में वो अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है और हमको प्रूफ करना है कि वो इक्वल भी होता है, तो कैसे होता है आइए देखते हैं, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डायगोनल्स ड्रॉ कर देंगे। हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, इट डजंट मैटर, ठीक है। हमारा एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। हमारे पास एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, हम लोगों ने एक डायगोनल ड्रॉ किया, बीडी ड्रॉ करने से अब हम लोग को ये दिख रहा है कि नाउ इट इज अ टू ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल बीसीडी। अब हम लोग इसी दो ट्रायंगल को कंपैरिजन करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल लर्निंग हॉल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल बटन को जरूर दबाएं। आप लोगों ने कॉन्ग्रेस ऑफ ट्राइंगल पढ़ा होगा, अब हम लोग उसी का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। अब आते हैं इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग को कॉन्ग्रेस प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सर्टेन क्राइटेरिया होता है, इसको हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं देखिए। ए बी डी है और बी सी डी, ये दो ट्राइंगल है। इसमें सबसे पहले देख रहे हैं कि बी डी जो है हमारा वो है कॉमन साइड, ठीक है। ओके अब देखते हैं कि AB और CD पैरेलल है, ये हम लोग को पता है, ठीक है। देखिए AB और CD पैरेलल है और B से भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। अब B और D हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, तो क्या ये एंगल, ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। उसी फिगर से हम लोग इसमें कंपैरिजन करेंगे, तो ये जो हमारा एंगल है 1, 3, एंगल 1 और एंगल 3 हमारा क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गया, क्योंकि इसी फिगर को हम लोग यहाँ देखें, ए बी है, सी डी है, पैरेलल लाइन है। इसको हम लोग थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दिए, इसको भी थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर दिए और यही डायगोनल्स यहाँ ड्रॉ किए, तो हम लोग को दिख रहा है कि नाउ इट इज अ ट्रांसवर्सल लाइन और इसीलिए यहाँ इक्वल है तो यहाँ भी इक्वल होगा, ठीक है। इसलिए हो गया एंगल 1 is equal to angle 3, alternate interior angles, ठीक है। एक एंगल हो गया, एक साइड हो गया। अब जो हम लोग को दूसरा निकालना है वो भी एक एंगल निकालना है, एंगल 2 एंगल 4 भी इक्वल है, देखिए कैसे।
एडी पैरेलल बीसी है हमारा, इसी डायग्राम को हम लोग इस बार इस तरह से ड्रॉ कर दिए, तो फिर देखना है कि एंगल टू और एंगल फोर भी जो है वो हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहा है, इसलिए एंगल टू और एंगल फोर भी इक्वल हो गया। उसको हम लोगों ने बाहर निकाला ए डी बी सी, उसको फर्दर एक्सटेंड किया तो हम लोगों को वो फिगर मिल गया। ठीक है, अब एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्फ्रेंस प्रूफ हो गया। अब देखिए ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी सी डी इस तीन चीज के वजह से प्रूफ हो गया। तो हम लोग एक पढ़े होंगे कॉन्ग्रुएंस पार्ट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। अब उसके वजह से क्या हो जाएगा, एंगल ए और एंगल सी हमारा इक्वल हो गया, सी डी इक्वल्स ए बी एंड ए बी इक्वल्स बी सी। तो सबसे पहले जो हमको प्रूफ करना था अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो हमारा प्रूफ हो गया। जैसे ही दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होता है तो सी बी सी टी से यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल से हमारा अपोजिट साइड्स प्रूफ हो गया, देयर फॉर ए बी बराबर सी डी एंड बी सी बराबर ए डी सी बी सी टी। ठीक है, सी बी सी टी का मतलब होता है corresponding parts of congruence triangles, ये होता है हमारा CBCT का मतलब, और इससे हमारा opposite sides are equal proof हो गया। इसी से हम लोग का एक चीज और proof हो जाता है, वो ये angle A और angle C क्या है, equal हो गया। इसी से अब जो हम लोग एंगल ए और एंगल सी इक्वल कर चुके हैं, अगर हम लोग ए सी एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे उससे भी दो ट्राइंगल हमारा फॉर्म करेगा, और ठीक यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो हमारा एंगल बी और एंगल डी भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगर ट्राइंगल एसी ड्रॉ करते हैं देन एंगल बी जो होगा एंगल डी के बराबर हो जाएगा, और उसमें भी हम लोग यही प्रोसेस लगाएंगे। इसी तरह से एंगल साइड एंगल से प्रूफ करेंगे, तो अब हमारा अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये भी प्रूफ हो गया। अब बचा हमारा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए एंगल साइड एंगल से एंगल साइड एंगल
एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया, तो सीबीसीई से हमारा अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल प्रूफ हो गया, और इसी से एंगल ए और एंगल सी भी इक्वल है ये भी प्रूफ हो गया। और अगर हम लोग एक ट्राइंगल एसी ड्रॉ करते हैं और इसी मेथड से फिर उस दोनों ट्राइंगल को प्रूफ कर देंगे कॉन्ग्रुएंस है, तो फिर उससे हमारा एंगल बी और एंगल डी भी इक्वल प्रूफ हो जाएगा। अब हमारे पास दो चीज प्रूफ हो चुका है कि किसी भी पैरेललोग्राम में उसका अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी में, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ओके। अब जो हम लोग को प्रूफ करना है वो है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इट मींस टू से दैट कि अगर ये दो डायगोनल्स एसी और बीडी है तो वो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को दो बराबर भाग में बांटता है, मतलब कि AO इज इक्वल्स टू OC एंड BO इज इक्वल्स टू OB। यही चीज हम लोग को अब प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें से कोई दो ट्राइंगल उठा लेते हैं, या तो ट्राइंगल AOD उठाएंगे, ट्राइंगल BOC ये दोनों उठाएंगे, या ट्राइंगल AOB देंगे, या ट्राइंगल COD उठ लेंगे, ठीक है। हम लोग कोई दो ट्राइंगल फिर से ले लेते हैं, कर चुके हैं अभी फर्स्ट में ही कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इस दोनों ट्राइंगल में AB बराबर CD ये हमारा इक्वल, ठीक है। AB इक्वल्स टू CD हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अब आते हैं कि हमारा जो ये एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, मींस कि एंगल COD बराबर एंगल BOA। अब जो हम लोग को क्या करना है कि एक एंगल हो गया, एक साइड हो गया, अब या तो एक साइड और खोज दे या एक और एंगल खोज दे, साइड हमारा मिलने से ना ये दोनों साइड्स तो ले नहीं सकते क्योंकि वही दोनों साइड्स के बारे में हम लोग को प्रूफ करना है, तो बचा एक और एंगल। फिर से आते हैं क्या ये एंगल इक्वल है ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो दोनों एंगल हमारा क्या है इक्वल है, इसीलिए एंगल ABD बराबर एंगल BDC, एंगल ABD बराबर एंगल BDC। ये हमारा कैसे इक्वल हुआ, क्योंकि AB पैरेलल CD है और ये क्या है पैरेललोग्राम है, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गया। अगले जो हमारा दो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया, हमारा दोनों ट्राइंगल प्रूफ हो गया कि वो क्या है कॉन्ग्रुएंस है। फिर से CBCT लगा देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। लिख देते हैं हम लोग,
एक ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी सीपीसीटी से प्रूफ हो गया। हमारा तीसरा भी प्रूफ हो गया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर कैसे। दो ट्राइंगल लेते, पहले तो दोनों डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं, फिर दो ट्राइंगल लिए, हमने ये दोनों लिया, आप ये दोनों भी ले सकते हैं, इट डजंट मैटर, ठीक है। फिर उसमें हम लोगों ने क्या किया कि कॉन्ग्रुएंस से प्रूफ करना था, तो एक तो हमारा ये इक्वल है, पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। दूसरा क्या था कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो रहा है, ठीक है। अब इसमें एक और एंगल जो ढूंढना था हम लोगों ने, ये ढूंढ लिया, किस तरह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये इंटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गया। तो ऐसे प्रॉपर्टी से ये दोनों इक्वल हो गया, तो सीपीसीटी से इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में जो है पढ़ना था हम लोगों को, प्रूफ दैट इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल प्रूफ, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल प्रूफ, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर प्रूफ। ओके, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल लर्निंग हॉल को, और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल बटन को जरूर दबाएं।